नाइट्रोजन हो गया था। आज जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा नाइट्रोजन का ही कंपाउंड चलेगा, अमोनिया। अभी ग्रुप 15 में है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं, इसके बाद फॉस्फोरस पढ़ेंगे, बस दो ही कंपाउंड पढ़ने हैं। तो अभी नाइट्रोजन अभी ओपन हुआ है, अभी HNO3 बाकी है, अभी हम लोग अमोनिया हेडिंग करेंगे। अमोनिया ब्रैकेट में NH3, तुम लोग पूरा नोट्स कंप्लीट करते चलना, नोट्स मेरा जो होगा एकदम तगड़ा होगा पी ब्लॉक का, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, एकदम याद रखते चलना। अमोनिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इट इज द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, और उसके अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, देयर आर 3 बेसिक हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन अकर इन नेचर। पहला सुनते जाना, पहला अमोनिया जिसको बोलते हैं फॉर्मूला NH3 के साथ, ये सब फॉर्मूला याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। दूसरा चीज जो होंगी वो होगा हाइड्राजाइन, हाइड्राजाइन इसकी जो फॉर्मूला होगी वो होगी NH2NH2, ठीक है। और तीसरी जो होगी वो होगी हाइड्रोजोइक, हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड दो बार पूछा जा चुका है, नाम के चलते ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर हाइड्रोजोइक एसिड की फॉर्मूला पूछ के पूछता है कि हाइड्रोजोइक एसिड में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है नाइट्रोजन का, तो तुम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला देके पूछता है कि इस फॉर्मूले में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नाइट्रोजन का, तो शायद फॉर्मूला तुम लोग निकाल लो, लेकिन नाम से फॉर्मूला क्या होगा ये कंप्लीट होना जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा नाम से फॉर्मूला याद रखना, हाइड्रोजोइक का फॉर्मूला N3H। अब N3H का स्ट्रक्चर क्या होगा, अब स्ट्रक्चर होगा उससे निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू फलाना ठिकाना, ये तो पढ़े ही होंगे, वहां से आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले तो ये हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए N3H। ये था तीन टाइप के हाइड्राइड जो अपन के नेचर में जनरली आकर करते हैं, नाइट्रोजन के हाइड्राइड, नॉट हाइड्राइड, हाइड्राइड बहुत सारे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के तीन टाइप के हाइड्राइड हुए कौन कौन, अमोनिया, हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्राजाइन, हाइड्राजाइन NH2 अभी आने वाला है, NH2 को मैंने लिखवाया भी था वहाँ पे क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। इसमें लिखेंगे आगे थोड़ा सा, अमोनिया इज जनरली अकर इन नेचर इन वेरी स्मॉल एक्सटेंट, मतलब जनरली अकर करता है नेचर में इन वेरी स्मॉल एक्सटेंट। द इसके अगले पॉइंट में लिखेंगे अमोनिया इज मेनली फाउंड ऑन जुपिटर एंड सैटर्न, याद करने वाली चीज़ नहीं है लेकिन बस जानकारी के लिए, अमोनिया जुपिटर और सैटर्न पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद करने के लिए बस, ठीक है। इसके बाद से हम लोग बातें कर लेंगे थोड़ा सा आगे चल के कि अमोनिया का खोज किसने किया था, 1978 अप्रॉक्स। अब तुम बोलोगे सर अमोनिया एक कंपाउंड है NH3, जबकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक एटम्स हैं, इन एटम की खोज रदरफोर्ड ने, सॉरी जे.जे. थॉमसन ने 1808 में कंफर्म किया, 1808 में जे.जे. थॉमसन ने इसके खोज को कंफर्म किया। एटम की खोज 1808 में हुई तो अमोनिया की खोज कैसे हो गई होगी सर, जब एटम हुआ ही नहीं तो मॉलिक्यूल के नहीं। देखो जो ये इंक था, जो ये मार्कर था, जो ये कार्बन था, ये हमारे जब से पृथ्वी बनी है तब से था कार्बन। अब कार्बन के कंपाउंड जो थे उनके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते थे कि ये कार्बन का बना हुआ है, बस हम लोग बोलते थे कि ये मार्कर है, बस हम लोग बोलते थे ये इंक है, लेकिन ये नहीं बोलते थे कि इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज एन एटम। तो कोई भी बड़ा चीज़ पहले आई उसके बाद छोटे छोटे चीज़ें आई, ठीक है, ये उतने डिफिकल्ट नहीं है जैसे कि मुर्गी आई कि अंडा, ठीक है। तो इसमें समझ सकते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया के बाद की खोज है, कि नाइट्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है। एटम का ही खोज हुआ था 1808 में, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो बाद की बातें हैं, पहले अमोनिया आया था, ठीक है, तब उसके बच्चे आए थे। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मजाक वाली बातें हुई थी। इसमें देखेंगे अमोनिया इज डिस्कवर्ड इन 1778 बाई, उनका नाम जो लिख सकते हो तुम लोग लिखना PRIESTLEY, प्रिस्टली, ठीक है। इसके बाद से हेडिंग करना प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन, अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट
इट इज प्रिपेयर्ड, पहला पॉइंट में इट इज प्रिपेयर्ड बाई डिकम्पोजिंग अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, देखना अमोनियम सॉल्ट को, अमोनियम सॉल्ट क्यों लिए सर? NH4 सॉल्ट लेना है तो SO4 ले सकते हो, Cl ले सकते हो, NH4Cl इज ऑल्सो सॉल्ट, बोलो NH4SO4 इज ऑल्सो सॉल्ट। अब बताइए कि सर सॉल्ट से हम लोग अमोनिया क्यों बनाएंगे? सुनना, सॉल्ट डिकम्पोज, सॉल्ट इज फॉर्म्ड ऑफ ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे बचपन में पढ़ते एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब यहाँ सॉल्ट अगर तोड़ेंगे तो एसिड और बेस जरूर 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 आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो अगर मेरे पास एसिड और बेस बनाने की पूछा जाए कि इसमें से एसिड और बेस बनाने हैं कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले NH3 एक्ट एज बेस, तो मैं NH3 बनाऊंगा, इट इज ए स्टेबल कंपाउंड, NH3 फॉर्म होगा, देन H2SO4। अब बोलो सर यहां से NH3 चला गया तो एक H बचा ना, H2 कहां से है? तो सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर तब फॉर्म करता है वो, वाटर का H प्लस OH माइनस तो बचा ही अभी। यहां पे अगर बातें करें तो यहां पे NH3 प्लस एक HCl बन जाएगा फिर, तो यहां पे इस तरह के कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में अमोनियम सॉल्ट को डिकम्पोज करो, कोई भी अमोनियम सॉल्ट लो, NH4NO3 ले लो, NH4Br ले लो, कोई भी अमोनियम सॉल्ट लो, उसको अगर डिकम्पोज करते हैं तो वो अमोनिया देगा। ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में अगर लिखेंगे तो इसमें आएगा इट इज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड से ही ये बनाया गया था, ये डिस्कवर हुआ था एक्चुअली दूसरे साइंटिस्ट द्वारा, अमोनियम क्लोराइड विथ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक लाइम कह सकते हो, कॉस्टिक सोडा भी कह सकते हो या सो कॉस्टिक लाइम कह सकते हो, सी ओ एच होल टू ब्रैकेट में लिख लेना। जैसे देखना ये सबसे पहले यही मेथड डिस्कवर किया गया था, सबसे पहले स्टार लगा लेना, इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहले अमोनिया बनाने का यही प्रोसेस था। क्या था कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को CaOH होल टू से रिएक्शन कराया गया था, तब पहली बार ये अमोनिया बना था। तो यहाँ पे बन गया था NH3 बाई प्रोडक्ट्स, अपन लोग क्या देख लेंगे, बाई प्रोडक्ट्स बना लोगे क्या? इजिली बना सकते हो, यहाँ से HCl उससे, यहाँ Ca2 प्लस है ना, Cl माइनस, तो CaCl2 प्लस, और क्या बन जाएगी यहां से हमको H2O। इसलिए बाई प्रोडक्ट तुम लोग बना सकते हो, इतने दिन से यही सीखा है कि जो भी स्टेबल प्रोडक्ट बन के निकलना चाह रहे हो उसको बनाते हैं जब मेन प्रोडक्ट बन जाए तो। ठीक है, इसको हम लोग NaOH लेंगे तभी बनता था क्या सर? नहीं, पहले डिस्कवरी इस पे हुआ था, फर्स्ट अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन CaOH होल टू कॉस्टिक सोडा फर्स्ट, बट आफ्टर दैट मतलब उसके जस्ट बाद की बातें मैं बोल रहा हूँ। अमोनियम क्लोराइड को अगर देखा गया डिजोल्व करके कि कोई और बेस में देगा क्या, जैसे NaOH से रिएक्शन करने पे ये बनाएगा क्या ऐसा कंपाउंड, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं Na प्लस Cl माइनस, चलो NaCl बना लिया, और यहाँ पे OH माइनस NH4 प्लस, तो यहाँ पे बना लिया NH4OH। NH4OH इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, डिकम्पोज इंटू टू पार्ट्स, बताया था ना कि कभी भी जो हमको दिखे पहले वो बनाएंगे, अनस्टेबल कंपाउंड में जो दिख रहा है वो बनाएंगे पहले। इसमें से हमको दो चीज़ें दोनों दिख रही है, देखो पहले तो NH3 दिख रहा है कि NH3 स्टेबल है सर, NH3 को बना लीजिए, या फिर पहले ये भी बोल सकते हो सर OH है तो एक H यहाँ से निकाल के H2O भी बना सकते हैं, मतलब मेन जो प्रोडक्ट बनेंगे इन दोनों के रिएक्शन से वो बनेंगे NH3 प्लस H2O प्लस NaCl, जैसे ऊपर बने। ठीक है, इस तरह से तुम लोग कंपाउंड्स बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखना इट इज प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग द मेटल नाइट्राइड विथ वाटर। देखिए ना, मेटल नाइट्राइड को जब डिजोल्व करेंगे या रिएक्ट कराएंगे वाटर से तो कैसे फॉर्म करेगा आखिर? रिएक्शन देखना, रिएक्शन सीखते जाना, रिएक्शन धीरे धीरे डेवलप करो अपने दिमाग से कैसे। देखना मेटल नाइट्राइड, जैसे मान लेते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले लिया मैंने, सुनते जा क्या लिया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इट इज मेटल। अरे मेटल नाइट्राइड कल मैंने पढ़ाया था डाई नाइट्रोजन में, जैसे Mg3N2 मेटल नाइट्राइड, बोलो दो पे मैं सिखाता हूँ, कोई भी मेटल नाइट्राइड लेकर तुम लोग एक और बना लेना, मैं दो सिखाता हूँ एक तुम लोग बनाना, इसको वाटर में डिजोल्व करना है तो
प्लस H2O कर लेते हैं, ये इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, प्लस लिख के करना होगा। H2O decompose to give H plus and OH minus, बोलो इसको भी डिकम्पोज होना पड़ेगा। चलो एल्यूमिनियम पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन निगेटिव होता है, ये पता है ना, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, नॉन मेटल, तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस, आराम से लगाएंगे। तो कोवेलेंसी एल्यूमिनियम की 3 है, किससे रिएक्शन करेगा, OH से, OH की कोवेलेंसी कितनी है 1 माइनस। चलो एल्यूमिनियम के नीचे 3, OH के नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्यूमिनियम OH का होल 3, कर सकते हैं, बोलो। और दूसरी चीज है, नाइट्रोजन का फिर 3, हाइड्रोजन का 1, NH3। तो यहां से NH3 की प्रिपरेशन एक मेथड और होती है, ठीक है, ये साइड में मैंने समझाने के लिए लिखा, तुम लोग भी लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस होता है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस होता है। चलो H2O से इसको भी रिएक्शन कराने हैं, अब तुम लोग शायद करा लोगे। मैग्नीशियम के नीचे 2, मैग्नीशियम के नीचे 2, OH के नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो MgOH का होल 2 प्लस, ठीक बाना, रिएक्शन अपने से सीखो, दोनों थोड़ा काम चलेगा। नाइट्रोजन के नीचे 3, हाइड्रोजन के नीचे 1, NH3। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन विथ मेटल नाइट्राइड। जब मेटल नाइट्राइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो बनाएगा अमोनिया, कैसे बनाएगा, रिएक्शन क्लियर होगा नहीं होगा, एक दो बार देखो समझो, अभी तो तुम लोग विजुलाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास में पढ़ाया और घर पे जाकर रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ये बोलते हैं, याद कर लो मेटल नाइट्राइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अमोनिया, कैसे बना, कोई मेटल नाइट्राइड जब डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो अमोनिया बनेगा, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, देखते रहना पी ब्लॉक का, समझ में आएगा। कि डायरेक्ट जोर दे के बोलते हैं मेटल नाइट्राइड रिएक्शन करता है अमोनिया से, वाटर से, तो वो अमोनिया बनाता है, वो अमोनिया बनाता है, याद करो कितना याद करोगे, समझ समझ के रिएक्शंस को तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो, स्टेबल चीज़ें बनाने के चक्कर में बस पढ़ो, वो बन के आएगा ही आएगा, बस ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं कि बन जाए। हाँ, कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे हैं क्रिटिकल हैं जिसमें लगेगा कि ये प्रोडक्ट ये बनना चाहिए क्योंकि ये स्टेबल है, लेकिन वो नहीं बनता है, तो उन पोजीशनों पे अगर तुम लोग याद भी करते हो तो चलेगा, लेकिन हर पोजीशन को याद करते हो तो गलत है। वैसे वैसे पोजीशन कितने आएंगे, 3-4 मैक्सिमम, तो 3-4 रिएक्शन याद करना संभव है, लेकिन ये 70-80-90 रिएक्शंस को याद करना ओनली पी ब्लॉक में संभव नहीं है। पी ब्लॉक का रिएक्शन देखोगे तो कभी भी 2-3 पेज ऐसे 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 दिया रहता है, कितना याद करोगे, समझते चलो करते चलो, जहाँ याद करना होगा मैंने स्टार लगवा के दे देने हैं और बोल दूंगा RL, वो RL होगा, RL का मतलब मत पूछना, RL का फुल फॉर्म कुछ और होता है, मैं बताऊंगा पहले, जहाँ भी याद करना होगा RL लिख लेना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा RL है याद करने हैं, ठीक है। अभी देखेंगे तीसरा अगला मेथड, अमोनिया इज ऑब्टेंड बाई हीटिंग, ओ ये तो हो गया है। दूसरा पॉइंट, अमोनिया इज ऑल्सो ऑब्टेंड बाई ट्रीटमेंट ऑफ यूरिया विथ कॉस्टिक सोडा, यूरिया विथ कॉस्टिक सोडा, सुनना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर RL लगा सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्शंस करोगे तो जल्दी नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ, फिर भी RL लिख लेना इसको, RL, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अगर ये NH2 है, सी डबल बॉन्ड O है, NH2 है, प्लस NaOH से रिएक्शन कराता मैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ें देखने को मिलेंगी, सॉरी NH2 है, ये यूरिया होता है ना, ये कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा या सोडा लाइम जो बोलना है बोल सकते हो इसको, इसको रिएक्शन कराने पे कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, सबसे पहले ये पॉइंट पे जाते हैं कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा। यहाँ पे हमारे पास H प्लस है, ठीक है, इसको हाइड्रोलाइज भी करना पड़ता है, H2O में भी डालना पड़ता है तब जाके बनता है, H2O क्यों डालेंगे देखना, ये ऑर्गेनिक के रिएक्शन जैसा कुछ हो जाता है, H प्लस ONa माइनस, समझ में आया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर अटैक ऑन H प्लस, सुनते यहाँ समझने की कोशिश करना, मैं RL पहले लिख चुका हूँ, मतलब इसको रट सकते हो, RL मतलब रट लो, ठीक है, RL फॉर्मूला मतलब रट लो फॉर्मूला, वो है मैं तुम लोग को बता ही दिया, ठीक है, जैसे JFF था मजाक वाला वैसे ही RL भी है मजाक वाला। तो यहाँ से लोन पेयर अटैक ऑन H प्लस, तो ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, और पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज होने के लिए निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव कहाँ से आएगा, बॉन्ड तोड़ के निगेटिव यहाँ आएगा, अगर बॉन्ड का सारा निगेटिव इधर चला गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चला जाएगा,
मतलब सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव और ये हो जाएगा NH2 प्लस, ये हो जाएगा क्या अपन के पास NH3, NH2 और H प्लस जुड़ गया NH3, NH3 पॉजिटिव था निगेटिव मिला तो NH3 न्यूट्रल बनाया, ठीक है। अब इस पे ONA जो है अपन का वो जुड़ जाएगा, ONA निगेटिव है ना, तो अपन का बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। देखो मैं ये मैकेनिज्म के साथ बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है तुम लोगों को, बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए बता रहा हूँ कि तुम लोग जहाँ जिस कोई कोई रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे समझ में नहीं आते कि कैसे प्रोसीड करें, ऐसा पहले देखा भी नहीं है तो कैसे प्रोसीड करोगे, शायद वो बन जाए तुम लोग से, इसलिए मैं बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ओ एन ए आके जुड़ जाता है। अगर मैं फिर से एन ए ओ एच से रिएक्शन कराऊँ, एच प्लस ओ एन ए माइनस, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक ऑन एच प्लस, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव को निगेटिव चाहिए तो निगेटिव बॉन्ड तोड़ के सारा निगेटिव ले लिया, निगेटिव ले लिया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, तो फिर से ये बना लेगा C डबल बॉन्ड O ओ एन ए यहाँ पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूट गया ना, प्लस NH3। अब जो मेरे पास यहाँ पे ओ एन ए माइनस था वो अटैक कर जाएगा इस पॉजिटिव पे और ये बना लेगा C डबल बॉन्ड O ओ एन ए ओ एन ए। क्लियर? एक मिनट, ये कौन है, संतोष सलाहकार अभी आ रहा है। अगर इस फॉर्मूले को मैं, सुनना, इस फॉर्मूले को मैं कोगुलेट करके लिखूं, मतलब स्ट्रक्चर ना बनाऊं, एक साथ लिखूं, तो Na2 है तो Na2 इस फॉर्मूले को कह सकता हूं, ये एरो रिएक्शन नहीं है, इस फॉर्मूले का अनदर नाम है Na2, C और O3 है, Na2CO3 बनाता है सोडियम कार्बोनेट, आई थिंक इसके बारे में तो पता होगा, ये हम लोगों ने इस ब्लॉक में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से तुम लोग रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हो, तुम लोग करा सकते हो, कोशिश करें। ऐसे मैंने यहाँ पे RL लिख दिया है क्योंकि इसके बारे में अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना है चक्कर में तो ये याद कर सकते हो कि यूरिया रिएक्ट विथ कॉस्टिक सोडा या NaOH, देन इट फॉर्म यूरिया रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म अमाइन अमोनिया NH3, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने RL में लिख दिया, ये चीज़ें ऑर्गेनिक रिएक्शंस थी, जिन्होंने ऑर्गेनिक शुरू कर लिए हैं, जिन्होंने मेरे बेसिक्स पढ़े हैं उन लोगों को समझ में बिल्कुल ही आ गया होगा, नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत आ रही होगी, तो RL वो अपनाएं, और कोई मेथड नहीं है, जब पढ़ना ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आगे अब बातें कर लेंगे थोड़ा सा इसका लेबोरेटरी मेथड्स में कैसे बना, तो लेबोरेटरी मेथड अपन लोगों ने देखा, तो इसके बारे में लिख भी लेना, इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सी ए ओ एच होल टू, ये पहला जो लिखवा दिया है वही चीज़ है, इन थ्री रेशियो टू, इन थ्री रेशियो टू, ये याद रखने वाली चीज़ है, थ्री रेशियो टू में लेते हैं, ये केमिकली जब बैलेंस करोगे ना तो वैसे ही थ्री रेशियो टू में आ जाएगा, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद से लिखेंगे इसके अगले पॉइंट्स में, प्रिपरेशन में अगले पॉइंट्स में हैबर प्रोसेस, मैंने कल बताया था डाइनाइट्रोजन के समय की हैबर प्रोसेस निखर के आएगा तुम लोग के सामने, बस वेट करो। तो हैबर प्रोसेस में देखना, स्टार लगा लेना, ट्रिपल स्टार मैंने दिया इसको, ठीक है, क्यों दिया सर, क्योंकि ये बोर्ड्स में आते ही आते हैं, सीईटी का तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सीईटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये तुम लोग का पूरे सिलेबस में 11 से 12 तक का देखा जाए तो 3 से 4 बार है, मैं 3 बार बता सकता हूँ, अभी चौथा शायद केमिकल काइनेटिक्स में छुपा हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली केमिकल काइनेटिक्स में दिया हुआ है, इसलिए 3 से 4 बार बोल रहा हूँ, 4 बार है लेकिन 3 से 4 बार बोल रहा हूँ, 3 बार डायरेक्ट है, चौथा बार ऐसे ही है, ठीक है। कौन कौन से मैं बता देता हूँ, देखना पहले ये देख लो हैबर प्रोसेस है क्या, तो लिखना इट इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग नॉट प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन में अंतर होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन 1:3, इतना लिखने के बाद आगे देखेंगे, इतना ही लिख के छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, रिएक्शन लिख के दिखाएंगे उसको। अब बात आती है रिएक्शन, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं सर, आपने अभी बोला, इसमें मेरे को थोड़ा संदेह है, बना भी चाहिए भाई साहब। प्रिपरेशन मतलब स्मॉल अमाउंट में किसी चीज़ को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब लार्ज अमाउंट में किसी चीज़ का बनाना, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने प्रिपरेशन किया इस चीज़ का, ठीक है, कोई चीज़ को बनाया मैंने घर पे, और दूसरा चीज़ बोलते हैं
कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है, फैक्ट्री कोई भी चीज़ों को लार्ज अमाउंट में बनाती है, तो कोई भी चीज़ों को लार्ज अमाउंट में बनाना मैन्युफैक्चरिंग बोला जाएगा, जबकि वहीं पे प्रिपरेशन की बातें आएंगी तो वो स्मॉल अमाउंट के प्रिपरेशन की बातें हो रही है। दोनों का मतलब वही है, लेकिन स्मॉल अमाउंट लार्ज अमाउंट डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को। चाहो तो लिख सकते हो आगे, नहीं चाहो तो बहुत अच्छी बात है। देखना, इन्होंने बोला N2 और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब अपन डायरेक्ट कम्बिनेशन करते हैं, सुनना, डायरेक्ट कम्बिनेशन करते हैं तो ये NH3 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे सबसे मजेदार बात ये है कि डेल्टा H फॉर्मेशन जो इसके हैं, द डेल्टा H फॉर्मेशन, आई हैव रिपीटेड, डेल्टा H फॉर्मेशन, आइदर आई हैव टॉट यू और नॉट, आई थिंक इट इज इन थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन, ओके, आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट क्लियर बाय मी, देन वी कैन से थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू माइनस आई थिंक एक्स किलो जूल, वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सर, आई रिपीट इट लेटर, माइनस एक्स किलो जूल, मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाते हैं, वट डू यू मीन बाई माइनस एक्स किलो जूल डेल्टा एच फॉर्मेशन, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो माइनस एक्स किलो जूल है। माइनस एक्स मतलब, माइनस मतलब घटना, घटना मतलब निकल जाना उससे, किसी चीज से कोई चीज निकल रहा है तो माइनस साइन देंगे ना, मतलब हीट इस प्रोसेस में निकल रहा होता है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लिख लेना इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब बातें आती हैं, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स किलो जूल, क्लियर है। अब बातें आती हैं 3:1 में लेंगे, क्योंकि ये बैलेंस जब करेंगे तो ये 1 ये 3 पार्ट में लेना पड़ेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3:1:3 में लेते हैं रेस्पेक्टिवली नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अगर किसी ने हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन लिखा है तो 1:3:1 लिखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिखो तो 1:3 लिखो, ठीक है। अब बातें आती है, हैबर प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ, अगर वो लेंदी पूछा है तो इसकी बातें आगे तक जाएंगी। क्या बातें जाएंगी सर? इसका टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा सर? इस पे प्रेशर क्या अप्लाई करना पड़ेगा सर? उसके बाद से इसमें कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं सर, कैसे कैसे कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यू रखेगी। अब बातें आती है, हम लोग देखते हैं कि सर टेम्परेचर क्या रखेंगे, तो देखें यहाँ पे सर टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रखना है कि कम रखना है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, तुम लोग लिखोगे पहले हेडिंग में अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर हीट निकल रहा है और हम हीट निकालने में मदद करेंगे तब वो आगे बढ़ेगा, लेकिन हीट निकल रहा है और हम हीट और ज़्यादा दे दें तो वो बैकसाइड रिएक्शन करेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इज एक्सटेंट लेस हो जाएगा, आई थिंक क्लियर होगा। अब बातें आएंगे कितना टेम्परेचर कम करेंगे सर, तो मैं बोलूँगा 700 केल्विन। अरे सर 700 केल्विन लेस है, आपने क्या बोल रखा है सर? बिल्कुल सही बातें हैं, 700 केल्विन इज नॉट लेस, बट वी हैव टू टेक सम मोर टेम्परेचर्स, क्यों सर? ठीक है, मैं ही क्वेश्चन करता हूँ, मैं ही आंसर देता हूँ, तुम लोग नहीं पूछोगे मेरे को पता है, चलो मैं ही बताता हूँ। यहाँ पे कल मैंने डील किया था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ेंगे तब एक नाइट्रोजन होगा, तब वो रिएक्शन के लिए जाएगा, तो पहले तो तोड़ना पड़ेगा ना, तोड़ने के लिए कल कितना टेम्परेचर बताए थे? ग्रेटर देन 600-700 केल्विन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन में 3200 केल्विन के बात हुई थी, तो ये 700 बहुत ही कम है, तो 700 केल्विन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल, लिखे हो ना टेम्परेचर इज इक्वल टू 700 केल्विन, वेरी लो, ये वेरी लो लिखना पड़ेगा, अगर वेरी लो नहीं लिखे तो 700 केल्विन को कोई लो नहीं समझेगा, समझेगा कि तुमने हाई टेम्परेचर डिनोट किया है, गलत कट करेगा, बिल्कुल साफ साफ भाषा। अब दूसरी बातें आएंगी, प्रेशर क्या करे, अब देखना प्रेशर हाई अप्लाई करे कि लो, लीच एटलियर आ गया ना, मैंने बोला था ना लीच एटलियर फिर से आएगा, मतलब दो बार और आएगा, तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, प्रेशर हाई करेंगे तो किधर जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो 4 की तरफ जाएगा कि 2 की तरफ, तो 2 की तरफ, प्रेशर कम करना चाहेगा, ये इक्विलिब्रियम का खेल है, मैंने क्या बताया था, अगर प्रेशर में बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन चाहेगा प्रेशर को कम करना, तो अगर प्रेशर बढ़ाने पे इस साइड शिफ्ट होने पे 4 के ऊपर प्रेशर लग रहा है मतलब 4P, और इधर शिफ्ट हो जाएगा रिएक्शन तो 2P लगेगा, तो रिएक्शन जल्दी से जल्दी चाहेगा इधर शिफ्ट करना कि 2P हो जाए, रिएक्शन प्रेशर को कम करना चाहेगा तो फॉरवर्ड जाएगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्या लिखेंगे, हाई प्रेशर ब्रैकेट में
20 मिलियन पास्कल, ये एनसीईआरटी में लिखा है, इसी को हम लोग कहते हैं 200 एटीएम। मिलियन मतलब 10 to the power 6, मिलियन मतलब 10 to the power 6, और पास्कल का मतलब भली भांति जानते होगे 10 to the power 5, ठीक है। जब एटीएम में चेंज करना है 10 to the power minus 5 एटीएम, ठीक है ना, एक एटीएम में 10 to the power 5 पास्कल होता है, एक पास्कल में कितने एटीएम, 10 to the power minus 5 पास्कल। यहाँ पर लिख सकते हैं 20 मेगा पास्कल, मिलियन पास्कल, या फिर तो 20 × 10 to the power 6 × 10 to the power minus 5 एटीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 एटीएम। कोई को कन्वर्जन में दिक्कत हो तो पूरा लिख ले कन्वर्जन सहित। अब बातें आएंगी कि सर कैटलिस्ट कौन सा रखें, ठीक है, क्योंकि ये सब बातें तो हो गई। कैटलिस्ट देखो कितना इंपॉर्टेंट जा रहा है भैया, कैटलिस्ट जो रखेंगे वो आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिबेडनम, ठीक है, यूरेनियम, तीसरा रखेंगे KO2 इन प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट, KO2 को रखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, Al2O3 के प्रेजेंस में रखेंगे। अब इसके बाद से एक पॉइंट और लिखेंगे, सम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज एडेड, सम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज एडेड टू दिस रिएक्शन बिकॉज द पॉइजनस गैसेस डू नॉट अफेक्ट द कैटलिस्ट। क्या होते हैं कैटलिस्ट, पॉइजनस गैसेस को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा सा ये क्यों ऐसा आ रहा है, पॉइजनस गैसेस को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, अगर एब्जॉर्ब जल्दी करेगा इसका मतलब कैटलिस्ट का सरफेस बेकार होते जाएगा, तो कैटलिस्ट पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब ना करे तो हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कुछ लगा देते हैं ताकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उन गैसेस को दाब के नीचे बैठा दे, प्रिसिपिटेट कर दे, कैटलिस्ट के ऊपर ना आने दे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया मैं बोल देता हूँ, इसको लिखते चलना। पहली बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी कि अमोनिया इज कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस, ठीक है, पंजेंट स्मेल गैस आएगा, लेकिन इट ब्रिंग्स, अगले पॉइंट, इट ब्रिंग्स टीयर इन आईज, मतलब अमोनिया गैस से आंख में आंसू भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि अमोनिया गैस आएगा तो हम लोग मतलब क्यों निकल गया इसलिए रो रहे हैं, वो टीयर गैस प्रोड्यूस कराएगा इसलिए टीयर निकलते हैं। बाकी की बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि सोलिबिलिटी इन वाटर की, तो अमोनिया इज हाईली सोलिबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। देखना अमोनिया अगर मॉलिक्यूल की बातें कर ले तो ये वाटर में डिजॉल्व होगा कि नहीं, अगर इसकी बातें कर ले तो वाटर में डिजॉल्व होगा कि नहीं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर अगर वाटर के साथ कोई बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब उससे अट्रैक्शन है, अगर अट्रैक्शन है मतलब बोलेंगे उसमें डिजॉल्व है, उसमें घुल गया, ऐसे बोलते हैं ना कि वो उसमें घुल गया, मतलब घुल गया क्या, उससे थोड़ा सा एक बॉन्डिंग हो गया। मतलब यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की बातें करें तो नाइट्रोजन FON वाला एटम है, मैंने बताया था ना फोन के, हाइड्रोजन के पास फोन हो और आगे भी फोन मिले तो वो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यही ना बताया था शुरू से अभी तक, यही बताते आ रहा हूँ तुम लोगों को। तो नाइट्रोजन फोन वाला एटम है और ये जो हाइड्रोजन है वाटर का ये भी फोन वाला हाइड्रोजन है, मतलब ये दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको बोलेंगे एच बॉन्ड। बोलो ठीक बा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया इज हाईली सोलबल इन वाटर, वी कैन से दैट प्रॉपरली। दूसरी पॉइंट्स आती है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, द अमोनिया हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज क्या बोल सकते हैं उसको, एज जितने होनी चाहिए, मतलब तुम इंग्लिश में थोड़ा सा लिखना, जितनी होनी चाहिए उससे हाई बॉइलिंग पॉइंट पाई जाती है अमोनिया की। एंड्रॉयड कौन है ये नए बच्चा, अमोनिया की हाई बॉइलिंग पॉइंट पाई जाती है, तो क्यों पाई जाती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अमोनिया जिस टेम्परेचर पर उड़ता उस टेम्परेचर पर अब नहीं उड़ेगा, क्यों, क्योंकि अमोनिया दूसरे अमोनिया के साथ एक बॉन्ड बना चुका है, जो अमोनिया को उड़ना चाहिए अब बॉन्ड के चलते ये नहीं उड़ पा रहा है। जैसे कि अमोनिया देखना यहाँ पे NHHH, अगर NHHH है तो अमोनिया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है, ये अमोनिया को अगर हमको 10 किलो जूल टेम्परेचर पे उड़ जाना चाहिए था, बॉइलिंग टेम्परेचर मान लेते हैं 10 किलो जूल होना चाहिए था, अब ये बॉन्डिंग बनाने के चलते ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा इसको उड़ाने के लिए,
तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर अपन को देने पड़ेंगे इसके लिए x किलोजूल। तो अब जो हमारे 10 किलोजूल थे अब 10 प्लस x किलोजूल लग जाएंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया हाई बॉइलिंग पॉइंट एज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड टर्म लिखना था वही नहीं आ रहा था, एज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तुम लोग जब वीडियो देखते हो ना थोड़ा सा तो एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि एक दो कुछ लड़के हैं, कुछ इडियट्स क्या कह सकते हैं, उनको इडियट्स बिल्कुल ही कह सकते हैं, डिसलाइक कर देते हैं सारे, पता नहीं क्या मिलता है उनको, उनको ठोस वर्ड में हरामी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, अभी यूट्यूब पे नहीं तो बहुत गाली देता हूँ मैं, तो तुम लोग कम से कम एक दो लाइक कर दिया करना, जो जो लोग देखते हैं, कम से कम 35 व्यू हो जाता है एक लाइक रहता है। अरे यार तुमको पसंद आया नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं, एक लाइक करने में क्या जाता है। ठीक है सर मैं करती हूँ, हाँ एक दो लाइक आता है तो अब मेरे को लगता है कि तुम ही करती फिर, क्योंकि एक ही लाइक आता है, ओ मेरे बैठा रहता है, हाँ सर मैं लाइक करता ना। अरे जब तुम और तुम दोनों लाइक कर देते हो, दो दो लाइक मैं कर देता हूँ, चार होना चाहिए ना, दो तीन लाइक ही रह जाते हैं। ठीक है, तो जब भी खोलो पसंद आए ना आए इससे कोई मैटर नहीं है, मैंने शुरू में ही बोला था जब बात इंपॉर्टेंट हो तो इंसान को छोड़ देना चाहिए, जब इंसान इंपॉर्टेंट हो तो बात को छोड़ देना चाहिए। तुम लोग को पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को वीडियो